जो मुनरो है वो ओपनर है, आपको लगता है कि उन्हें शायद मौका मिलेगा ऊपर खेलने का? देखिए, वो पहले भी खेले हैं इस ग्रुप में, तो उनको ओपनिंग नहीं कराई. शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ही ओपनिंग करने आए हैं, तो वो आए थे 3 नंबर बैटिंग करने. तो आज भी कुछ वैसा ही हो सकता है. बट ऐसा लगता है कि कभी कभी आपको जब किसी खिलाड़ी के रन नहीं बनते, मेरे साथ ऐसा हुआ, एज ए ओपनर मैं रन नहीं बना रहा था, मुझे 4 नंबर पर बैटिंग कराई थोड़ा, क्योंकि जब आप बीच में आते हो तो ना सर्कल खुला होता है, तो आपके पास ऑप्शंस बड़ी होते हैं कि आप कहीं भी टैप करें आपको सिंगल मिल जाता, तो आप उस फॉर्म में आ जाते हो. जबकि आप पावर प्ले में आओ तो आपको सिंगल नहीं मिलता, तो फिर आप चौका छक्का ढूंढते हो, गलती करते हो और आउट हो जाते हो. तो शायद पृथ्वी शॉ को अगर एक डाउन नीचे भी कर दे, मुनरो से ओपनिंग करा ले, तो भी कोई हर्ज नहीं होगा. बट ऐसा लगता नहीं, क्योंकि पिछली बार जब खेले थे उन्होंने 3 नंबर पे ही बैटिंग की थी, तो आज भी वही करेंगे. काफी डेंजरस बैट्समैन है, 3 सेंचुरीज मार चुके हैं T20 फॉर्मेट पे, तो आपको लगता है कि बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस होंगे उस हिसाब से? क्योंकि जब पिछली बार खेले तो ये देखा था, क्योंकि इंग्रम हमेशा 5 पे खेलते रहे इनके लिए, 4 या 5 पे. लेकिन जो 2 मैच ये घर गए थे कॉलिन इंग्रम किसी पर्सनल रीजन से, उस दौरान हमने मुनरो को देखा इस टीम के लिए, उसमें तो ये 3 नंबर खेले थे. तो एक वो हो सकता है कि ऊपर खेलें, क्योंकि जो वहाँ पे खेलते हैं अपने मुल्क में और बाकी लीगों में, वहाँ तो एक्चुअली ये ओपन कर जी. और सही कहा आपने, 3 शतक बनाए इन्होंने 2020 में, बड़े डेंजरस प्लेयर हैं. अभी हमने बाकियों की बात देखा हुआ है, इनके अच्छे दिन पे ये रसल की तरह याद करवाते हैं बाकी गेंदबाजों को. तो कैसे इस्तेमाल करेंगे इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पृथ्वी शॉ को आपने रिटेन किया हुआ है जी, और यंग खिलाड़ी हैं, यंग प्लेयर हैं, क्या वो एडजस्ट कर पाएंगे 4 पे? क्योंकि जो इन्होंने बात कही बिल्कुल सही है, अगर फॉर्म में लाना है किसी को वापस, तो आप उस स्टेज पे लाएं तो थोड़ा आसान होता है. टीम यू नो फील्ड खुली है, टीमें भी, और सिचुएशन कई बार क्या होता है कि आप कमांडिंग पोजीशन में हो तो आपको टाइम मिलता है. तो लेकिन क्या ये वक्त है वक्त कि है? आप किसी को फॉर्म में लाना चाहें? ये वक्त आखिरी घड़ी है, क्योंकि इनके पास वो नहीं है ना, 2 बारी नहीं मिलेंगी, वो चेन्नई और मुंबई के लिए थी, एक आध मैच आगे पीछे भी हो जाए तो आपको फिर बारी मिलेगी. लेकिन इनके लिए तो यही घड़ी है.